महसूस हो रहा है हमें कि हम आप सबके बीच आए और इन सबके जो मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो हमारे छोटे भाई धनंजय शर्मा जी जो आप धन्यवाद आतंकवादी तो बहुत होती है, आतंकवादी बहुत होती है, बट ये संवाद कार्यक्रम जो आपकी बातें हम लोग सुने और हम लोग अपने हिसाब से जवाब दें ये बहुत कम हम लोग कर पाते हैं। गलतियां हमसे भी होती है, बात सही है। सबसे पहले हमारे दिल्ली से आए हुए भाई वीरेंद्र राठौड़ जी, शकील भाई, मिन्नत रहमानी जो अभी बहुत जज्बाती भाषण दिए हैं, बहुत खूबसूरत, और जुझारू बैलटिंग हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे छोटे भाई धनंजय शर्मा जी, मंजू शर्मा जी, भाई मधु, भाई छत्रपति जी, निसार जी, नईम जी और अरवत की और तमाम बेहतरीन और काबिल फख्र आवाम जो आज हमारे सामने बैठी हुई है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने टीम के वक्त को निकाल रहे हैं। आप लोग अपने टीम के वक्त में से थोड़ा वक्त निकालकर हम सब के बीच बात कर रहे हैं। हम कहाँ रह गए और कहाँ से हमें शुरू करना है, ऐसा लगता है थोड़ा चल रहे हैं और मीलों चलना बाकी है। अभी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिली थी, आप सबके ढेरों सवाल आए थे, लेकिन पहले हम ये बताना चाहेंगे अभी के सवाल का जवाब उसमें भी कहीं ना कहीं है। यूपीए सरकार, कांग्रेस पार्टी के साथ आप क्यों जुड़े, ये मेरी तरफ से सवाल है कि कांग्रेस पार्टी से आखिर आप क्यों जुड़े, कांग्रेस ने आपको क्या दिया। बात भी सही है, आप क्यों 85% यहाँ पे हिंदू थे, 85% हिंदू थे और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी अगर चाहते तो ये
कहीं भी हमें नौकरी की बात करनी है तो सबसे पहले हमें तालीम हासिल करना होगा। सबसे पहले तालीम और एजुकेशन का बदल कौन नहीं होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर आप सब पढ़े लिखे हमें लग रहे हैं, सब माशाल्लाह से कुरान से जरूर पढ़े होंगे, तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि आप अपने औलाद को तालीम दो। वहां ये नहीं लिखा हुआ है कि आप लड़की को दो या लड़का को दो। औलाद को अगर आप तालीम देते हैं, जब आपके पास तालीम होगा उस तालीम के हथियार से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप नौकरी तो बहुत छोटी चीज है, आप अपना हक सरकार से ले सकते हैं। जो आईन में जो संविधान में हमारा हक है उस हक को हम ले सकते हैं उस तालीम की वजह से। लेकिन हम कहां पिछड़े।